नमस्कार दोस्तों, चैनल RK105 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने प्रोजेक्शन शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले जो मैंने दो वीडियो दिए आपको, उन वीडियो पे आप बिल्कुल ध्यान देकर उसको अच्छे से पढ़िए, तभी आपको प्रोजेक्शन समझ आएंगे। तो पहला टॉपिक अपना शंकु प्रक्षेप। जैसे कि पहले बताया आपको, अपने प्रक्षेप तीन प्रकार के हैं मुख्य रूप से, शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खै मध्य प्रक्षेप। तो अपने सबसे पहले शुरू करते हैं शंकु प्रक्षेप। उदाहरण दिया गया है, फर्स्ट नंबर, मापनी 1:14 करोड़ को आधार मानकर एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप की रचना करो, जिसमें मानक अक्षांश 45 डिग्री नॉर्थ, क्षेत्र विस्तार 0 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ठीक है, तथा 45 डिग्री पश्चिम से 45 डिग्री पूर्वी देशांतर विस्तार तथा अंतराल 15 डिग्री हो। इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इकाई यहाँ पर कोई भी हो सकती है, यहाँ पर भी कोई हो सकती है, जितनी भी इकाइयाँ हैं वो आपको इसमें दी होगी, ये अनिवार्य रूप से आपको दिया होगा अगर आपको शंकु प्रक्षेप बनाना है। तो हमें कौन सा शंकु प्रक्षेप बनाना है, मुख्य रूप से यही लिखा हुआ है, एक मानक अक्षांश वाला, और इसमें मानक अक्षांश देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये। अब देखिए अपने क्या क्या दिया है, हमने एक इनको सरल रूप से लगातार लिख लेना है, इनको लगातार लिख लेना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मापने क्या दिया है हमें, 1:14 करोड़, इसके बाद में अक्षांशीय विस्तार कितना है, 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर, ये देखिए 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर। फिर है देशांतरीय विस्तार, ये है 45 डिग्री पश्चिम से 45 डिग्री पूर्व, मानक अक्षांश 45 डिग्री, ये, और अंतराल है 15 डिग्री। इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन में ज़रूर ये अनिवार्य रूप से दिए होंगे आंकड़े। तो अपने को सबसे पहले शुरू करते हैं, अपने कल को फिर कभी अपने गणितीय विधि पे भी इसी क्वेश्चन को हल करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने करते हैं आलेखी विधि पे सभी क्वेश्चनों को हल। तो ये सूत्र दिया गया है, सबसे पहले इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और प्रत्येक प्रक्षेप के अंदर ये अनिवार्य रूप से इसी सूत्र का प्रयोग आपको करना ही होगा। अपने को पृथ्वी के लघुगर्द गोले का अर्धव्यास चाहिए, जैसे कि ये वाला, इस प्रकार से आपको एक पृथ्वी के लघुगर्द गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना होगा। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार से एक लघुगर्द गोला है जिसका केंद्र बिंदु ये है, और अर्धव्यास कितना होता है, यहाँ केंद्र से लेकर परिधि मतलब इस तक अंतिम सीमा तक, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर अर्धव्यास और ये पूरा व्यास कहलाता है यहाँ तक। तो अपना ये क्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धव्यास। तो अपने को ये ज्ञात करना है पृथ्वी के लघुगर्द गोले का अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। अब इसी को आप पृथ्वी मान लो, इसे पूरी पृथ्वी मान लो, और अपने पृथ्वी के केंद्र बिंदु से हमारी सतह जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, ठीक है, यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप इसे प्राप्त करेंगे। तो ये वास्तविक दूरी कितनी है, 6371 किलोमीटर, ये दूरी आपको, वास्तविक दूरी आपको प्राप्त होती है। हमारी पृथ्वी की वास्तविक दूरी जो है वो केंद्र से परिधि तक 6371 किलोमीटर है, और ये प्रत्येक जितनी भी ऑथेंटिक बुक है उनमें लिखा हुआ भी है, ठीक है, वहाँ से आप ये आंकड़ा ले सकते हो। तो इसे हमने प्रक्षेप जब भी बनाएंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए, मेरा पहला उदाहरण जो है उसके अंदर आपको दिया हुआ है मैट्रिक प्रणाली, उसमें आप चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि किलोमीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो अपने यहाँ पर किलोमीटर है इसके आगे, तो यहाँ पर अपने 1 लाख में 5 शून्य लगे हुए हैं, तो यहाँ पर अपने लगा सकते हैं, देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना हो गया, 63 करोड़ 71 लाख सेंटीमीटर। यह हमें क्या है, पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की दूरी प्राप्त हो गई है। अब इसे हम इसी सूत्र में प्रयोग करते हैं,
लेकिन हमें दूरी क्या प्राप्त हुई थी? 63 करोड़ 71 लाख। दूरी है हमारी 63 करोड़ 71 लाख। इसे अब पूर्णांकों में अपने लेंगे, 63 करोड़ 71 लाख को पूर्णांकों में लेंगे। तो पूर्णांकों में या तो आप क्या मान लो, 64 करोड़, 3, 4, 5, 6, 7 शून्य लगा दो, ठीक है? तो ये, या आप इसे 63 71 को शून्य शून्य ना मानकर, अगर 71 को बढ़ाते हो आप 99 फिर 00, तो ये आपका 64 करोड़ हो जाएगा। नहीं तो आप 63 करोड़ 50 लाख, यानी कि इस एक को शून्य, इसको 7 को 5 मान सकते हो, तो वो भी लगभग आपका पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि ये 63 करोड़ 50 लाख, 1, 2, 3, 4, 5। अब काफ़ी बुक्स के अंदर आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग चलना चाहूँगा, क्योंकि पूर्णांकों में दूरियाँ लगभग इससे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि ज़्यादातर जितने ज़्यादा शून्य होंगे वो उतना ही ज़्यादा अपना पूर्णांक कहलाता है, तो ये ठीक रहेगा अपने लिए। अब प्रत्येक वास्तविक दूरी पृथ्वी की जहाँ भी चाहिए सेंटीमीटर के अंदर, वो हम 64 करोड़ ही मानेंगे। अब देखिए, 64 करोड़ बटा में निरूपक भिन्न का हर, तो आप वापस इसे देखिए, ये एक अंश होता है, ये हर होता है। अंश कभी नहीं बदलता, हर बदलता रहता है। तो ये 14 करोड़ आपका हर होगा, तो 14 करोड़ इसे काटेंगे, 7 शून्य 7 शून्य कट गई, 14 से 64 को काटेंगे, तो आंसर आएगा 4.57 सेमी। और अब आपने एक ड्राइंग शीट के ऊपर आप इस प्रकार से इस तरफ एक साइड में एक बार रफ डायग्राम बनेगा, उसके बाद में आपका प्रोजेक्शन तैयार हो जाएगा। तो दूरी कितनी प्राप्त हुई थी हमें? 4.57, 4.5 यहाँ तक हो गया, 7, यानी कि 5 और 6 के बीच से थोड़ा सा 6 की तरफ, यानी कि 4 के बाद में 5 और 6 mm के बीच में, लेकिन 6 की तरफ आप निशान ले लोगे, ये आपका यहाँ से। अब एक वृत्त का इसे चतुर्थांश के रूप में बदल दोगे, आप प्रकार को इतना ही खोलेंगे, कितना, 4.57, इतना प्रकार खोला और इसे वृत्त का, एक वृत्त का चतुर्थांश बना दोगे। इसके लिए आप यहाँ पर चांदी की सहायता से जो है 90 डिग्री प्राप्त करके समकोण बना लेंगे। ये बिंदु 90 डिग्री का प्राप्त किया और ये हमारा इस पे समकोण बन गया। इस पे एक लंबी रेखा खींच दोगे ताकि पी बिंदु हमें प्राप्त हो सके। अब आप इस पर हमें एक मानक अक्षांश भी लेना है, इसे 90 डिग्री माना, ये अपना मानक अक्षांश था 45 डिग्री, तो यहाँ 45 पे पॉइंट लगा दिया, और अपना अंतराल है वो है 15 डिग्री, वो भी हमें प्राप्त करना होगा, तो ये 15 डिग्री पर मैंने बिंदु लगा दिया है। अब आप स्केल की सहायता से इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाइए और लाइन खींच दीजिए यहाँ तक, ठीक है? चाप से बाहर नहीं जाए, दूरी जो है वो चाप से बाहर नहीं जानी चाहिए अपनी, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक आपने दूरी खींच देनी है। इसके बाद में यहाँ से, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी खींच देनी है, ठीक है? इसे केंद्र मानकर आप दोनों तरफ ही दूरियाँ खींच दोगे। अब आपने इस चांदे की सहायता से इस 45 डिग्री को आधार मानना है और एक समकोण बनाते हुए इस 90 डिग्री की तरफ रेखा खींच दोगे। आप दोनों बिंदुओं पे पहले ही पेंसिल की नोक रख लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये जहां पे काटे, यानी कि वो है हमारा पी बिंदु। अब आपने ये 15 डिग्री का अंतराल इतना प्रकार में भरना, आपने एक चाप लगाना है,
वो चाप इस केंद्र से होगा। इसके बाद में आपने 45 डिग्री जो आपका मानक अक्षांश है उस पे एक लंब बना देना है। इस यहाँ से जो काटे उससे इस लंब के ऊपर यहाँ पर एक फिर से एक लंब बना दोगे, यानी कि इन दोनों के बीच में एक रेखा सही से आपस में मिला दोगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ ओ ए बी सी डी ई एफ कि जितने जहां जहां बिंदु काटे उन्हें कोई ना कोई अपने नाम दे देंगे, ताकि यहां पर हमें समस्या न आए आगे। अब यहां पे बनाते हैं अपने इसका एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप। इसके लिए आप एक ऊपर से नीचे की तरफ सरल रेखा खींच देंगे, इसे पी बिंदु मान लेंगे। सीधी सरल रेखा आपने खींच देनी है, ऊपर के बिंदु को पी बिंदु मान लेना है, और इसी पी बिंदु से आपने ये दूरी भर के कितने ये पी डी दूरी भर कर आपने पी डी दूरी यहां से भर लेनी है। यहां से पी डी दूरी जो है इसमें आप प्राप्त कर लोगे, और यहां पर पी बिंदु पे रखकर एक चाप लगा दोगे, अतिरिक्त लगा देना ताकि बाद में से अपने मिटा पाए, कम नहीं रहे। इसके बाद में आपने बी सी रेखा की दूरी प्रकार में भरनी है ये, बी सी की दूरी आपने प्रकार में भरनी है, और इससे ऊपर की तरफ यानी कि 45 प्लस 60, 60 प्लस 15 75 प्लस, ठीक है ये छोड़ो। अब इससे नीचे की तरफ 45 प्लस 15 मतलब -15, 45 माइनस 15 30 से 15, 15 रह गया, और फिर 15 पे शून्य हो जाएगा। इतना ही हमारा अक्षांशीय विस्तार उसमें दिया हुआ है, 0 से 75 डिग्री। अब हमने इस पी बिंदु को केंद्र बिंदु मानकर, पी बिंदु को केंद्र बिंदु मानना है, और प्रत्येक अक्षांश रेखा को आपने खींच देना है। इसके लिए आप पेपर को जो है वो इस प्रकार से घुमा सकते हो। इसके बाद में आप अगली दूरी मापेंगे यहां तक, और फिर से पेपर को इस प्रकार से घुमा देंगे। पेपर को घुमाने पर आपका ये थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद में फिर इससे भी अगली दूरी आपने प्रकार में भरनी है, इस प्रकार प्रकार में ये वाली दूरी आगे से आगे पॉइंट बिंदु लगाते हुए इस तरफ और इस तरफ, फिर इसके बाद में ये बिंदु लास्ट वाला मिलाते हुए आपने दूरी करके इसे घुमा देना है। ये आपकी अक्षांश रेखाएं पूर्ण कर देगा। इसके बाद में आपने देशांतर रेखाएं खींचनी है, तो देशांतर रेखाओं के लिए वापस से इस रफ डायग्राम की तरफ जो इसका आधार है इसकी तरफ आते हैं, और ये जो आपने ई एफ लंब खींचा था उतनी दूरी प्रकार में भरनी है, ये लो इस प्रकार। और आपने मानक अक्षांश कौन सा था अपना, ये 45 30 15 0, तो 45 डिग्री हमारा मानक अक्षांश था, तो 45 पे 1 2 3 4,
अतिरिक्त खींच दो, कोई दिक्कत नहीं, कल को अपने एक्स्ट्रा होगी तो मिटा देंगे। इस तरफ एक दो तीन चार। अब इसे अपने पी बिंदु पे पेंसिल की नोक और इन काटे गए मानक अक्षांश पे जो चाप हैं इनको मिलाते हुए जो रेखाएं खींचेंगे वो रेखाएं हमारे देशांतरों को प्रकट करेंगी। पहले देख लेते हैं कि अपना अक्षांश देशांतरीय विस्तार कितना था। तो 45 से 45 डिग्री यानी कि इसे जीरो मानेंगे, 15 30 45 तो तीन ही रेखाएं आएगी, चौथी रेखा खींचने की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसे इरेज कर देंगे अतिरिक्त रेखा को, तो अपने तीन ही रेखाएं इस तरफ आएगी। दोबारा से समझा देता हूँ आपको मैं, एक मिनट बस रेखाएँ खींच दो कि ये तीन ही रेखाएँ इस तरफ और इस तरफ क्यों आएंगी। तो आपको पता है ऊपर से नीचे की तरफ खींचने वाली रेखाएं जो है वो देशांतर रेखाओं को दर्शाएगी। अपना विस्तार देखिए आप, तो वो है 45 डिग्री वेस्ट से 45 डिग्री ईस्ट। तो इसमें देखिए आप 15 डिग्री अंतराल है, तो 45 में से 15 घटाएंगे तो ये 30, फिर 15, फिर 0, फिर 15, फिर 30 और फिर 45 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 शून्य के इस तरफ तीन और इस तरफ भी तीन रेखाएं आएगी। तो ये अतिरिक्त वाली रेखा अभी मिटा देते हैं ताकि आप इसी प्रकार से इन्हें, अब इस तरफ आप लिखिए 0 15 30, ये अपना मानक अक्षांश 45 डिग्री अपना मानक अक्षांश है। इसे आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड पैरेलल। और 45 के बाद में ऊपर देखिए आप, ये है 60, ये 75 और ये हमारा नॉर्थ है, क्योंकि इसमें एक चाप के रूप में ध्रुव जो है वो दर्शाया जाता है। लेकिन फिलहाल हमने इन रेखाओं को यहाँ तक मिला दिया है। लिखा तो काफ़ी बुक्स में है कि 45 ये 90 डिग्री यानी कि ध्रुव को आप एक चाप के रूप में दिखाओगे, लेकिन चाप के रूप में दिखाया नहीं गया है। अभी आप इसको इरेज कर सकते हो, इस बिंदु को अलग कर सकते हो, लेकिन केंद्र से खींचिए रेखाएं तो सीधी चली जाएंगी। तो इसके बाद में अपने बीच में ये रेखा थी, ये इसके अकॉर्डिंग आई कितनी 0, फिर इस तरफ आया कितनी 15 30 45, ये है ईस्ट और ये 0, फिर 15 30 45, ये है वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट देशांतरीय विस्तार हो गया अपना। ये अक्षांशीय विस्तार 0 से 75 डिग्री नॉर्थ, जो 0 है ये मुख्य भूमध्य रेखा है अपनी, और इसमें ना तो कोई नॉर्थ होता है ना साउथ, ये सेंटर रेखा होती है।